क्या आप भी जलाते हैं तुलसी के पास दिया? तो जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुर्वाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी ब्रिज के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और कभी दुष्ट पुरुषों को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक ब्रिज के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी, हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयंकर बाघ निवास करता था। उस कापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयंकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे मेरे ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है।
तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करना। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पुण्य जन्म का कथा सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उस पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिस वस्तु का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उस वस्तु का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूत ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान के लिए। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के लिए योग्य है। फिर यमराज ने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़ तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री को पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े किए, उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, ये स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने अव्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों को संग भोग विलास किया है। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पूर्ण पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करके
करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय धात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास से बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के पास्त उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतो, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदो, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पाशाद्य कहने लगे, हे दूतो, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पाशादों की बात सुनकर यम दूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पासाद से उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वो सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जनों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दे। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितने वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव को जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त भगवान श्री हरि वैष्णव के धाम चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने ही की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ तुलसी।